मौसमी बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों को शहर में बिकने वाले गोलगप्पे और खाद्य सामग्री की जांच हेतु आदेश जारी किए हैं। गुजरात में गोलगप्पे पर बैन लगने के बाद इंदौर में भी पानी पतासे के उपयोग में होने वाले पानी और मसालों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं शहर के चिकित्सक और गोलगप्पे विक्रेता इसे गलत मानते हैं। गोलगप्पे महिलाओं और बच्चों का सबसे पसंदीदा चटपटा व्यंजन है। इस पर बैन लगने की बजाय इसमें साफ सफाई और स्वच्छ पानी का ध्यान रखा जाए। मैंने अभी एक हफ्ते पहले अपने फूड जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी बैठक ली थी और उनको ये निर्देशित किया था कि पूरे शहर में जहाँ पर भी लोग खुले में जो खाद्य सामग्री को बेचते हैं, ढक के नहीं बेचते हैं, उन पर जो है ना आप जाकर केस बनाएं और उनको आप रोकें। और साथ में जो है ना ये भी है कि कोई बासा ना खिलाए और जो भी नाश्ता या जो भी खाद्य सामग्री है वो ताजी हो और उन पर मक्खी वगैरह ना बैठी हो, उस पर जाली और बाकायदा उसको ढका हुआ हो। जहाँ तक गोलगप्पे की बात है तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि गोलगप्पे में बहुत ज़्यादा हमें सफाई की, हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो पानी में बनाया जाता है। तो इसमें हमें अपने जो खाद्य निरीक्षक हैं उनको निर्देशित करेंगे कि वो जो है ना शाम के टाइम खासकर जिन क्षेत्रों में गोलगप्पे और खाद्य सामग्री रात शाम को चलती है चाट वगैरह, वहाँ पर जाके ये देखें और अगर वहाँ पर कहीं इस तरह की अनियमितता पाई जाती है हाइजीन को लेके तो उन पर कार्रवाई करें। सर, इसमें केमिकल मिलाने की भी बात सामने आई थी कि इसमें कुछ इसको तीखा करने के लिए, चटपटा करने के लिए कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। जी, तो अभी तक इंदौर में इस तरह की खबर तो नहीं आई है और मैं दिखवाता हूँ इस मामले में, अगर ऐसा अगर कोई होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें किस तरह का पानी जो होना चाहिए, क्योंकि पानी से हाइजीन आता है।